मैं गुड मॉर्निंग कहने लगी थी क्या वो मैंने तो कहा था गुड इवनिंग है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज संडे है और शाम का टाइम है। सुबह मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर गई थी लेकिन टेक्सचर नहीं बनाए थे, टेक्सचर कल वाले भी रहते हैं। मैं थक बहुत गई थी इसलिए टेक्सचर नहीं बने। ये चारकोल का मैंने फटाफट खड़े खड़े ना माउंटेन बना दिया था ऊपर पानी डाल डाल के। ये भी नज़र आ रहा होगा पानी गिरा है ऊपर। वैसे ये ना बाइंड ही नहीं होता, सैंड टाइप है ना, पाउडर नहीं है इसलिए। ये रेड ग्रीन ही चारकोल, इसको इसमें भी मैंने पानी डाला है, उसमें भी डाला है, ये इस टेक्सचर में भी डाला है। सारे टेक्सचर तकरीबन ना बनाने वाले ही पड़े हैं। और इसने व्लॉग बनाया, व्लॉग कम चबल ज़्यादा बनाई है। क्रमलिंग करने को कहा था वो भी हासा की है। अभी मैं साथ साथ बैठूंगी ना फिर थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। ये ब्लैक कंक्रीट थी, ये है जी प्योर सीमेंट जिसका इसको नाम नहीं आ रहा था। इसमें भी मैंने पानी डाला है, सैंड सीमेंट है वो सॉफ्ट। उसकी मैंने ना स्मैशिंग के लिए छोटी छोटी शेप्स बनानी है। एक पता नहीं किसी की रिक्वेस्ट थी, कोई था जिसने ना रिक्वेस्ट की थी करीब मतलब काफ़ी दिनों पहले, लेकिन वो ना मुझे कमेंट मिला नहीं, वो कमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से ना मुझे पता नहीं चला कि रिक्वेस्ट की है या नहीं की, ऐसा ही कोई सीन हुआ। बहरहाल तो वो शुरू हो गया कि 1K सब्सक्राइबर होते हैं तो अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं आप लोग, ये तो वो फलांटी। मैंने कहा मैं ज़रा इसको, जिसने कहा ना कि अपनी औकात दिखा देते हैं, मैंने कहा मैं इनको अपनी औकात दिखा ही दूँ एक बार, उसके बाद शायद वो अपनी औकात में रह लें। इसलिए मैंने ना सबसे पहले ये डैम्प बकेट थी, मैंने सब्र नहीं किया, मैंने डैम्प ही सुबह क्रमलिंग कर दी थी कि मैं ना जल्द अज जल्द वो वीडियो बनाऊँगा। कहते हैं ना जिसको क्या कहते हैं गुस्सा जो भी कहते हैं बस। ये मुझे पकड़ा दे, ये मैंने स्पेशली सुबह चंक रखा था एक छोटा सा व्लॉग में क्रम्बल करने के लिए। ये चंक मुझे पकड़ा दे, वेट अ मिनट, आई हैव नो टाइम। ये लो, मजेदार है ना वो, देखो कंडों वाला सांप मार क्या मारी, वो देखो जा रहे पहले गीला था पानी, कैसे रखना निकालना इसको अभी शेप्स बना ले। कम हियर, ठपना तोड़ दिया था मेरा नया टापा है। अभी तो एक स्की पता नहीं कोई वीडियो भी नहीं गई, एक डाली तो है, एक मैंने खुद देखी है, डाल दी होगी मुझे याद नहीं है। आंखें खोल के करो ना, ये हो गया जी। ये है मड सैंड जो कि बहुत डीट हो जाती है। कहाँ
ये बिल्ली ने किया, मैंने नहीं किया। उसको उठाओ, उसको छान के चेक करनी है। किसका? छोटी छोटी शेप्स बनानी है स्मैशिंग के लिए। क्या वेरी फनी स्मैशिंग के लिए बनानी है? बिल्कुल छोटी स्मैशिंग क्या होती है? ठाठ हाँ, जैसे भी ठाठ हाँ किया है। दो शेप्स आपस में ठोक लिए। तो वो भी ठाठ हाँ हो ही जाएगी। अच्छा ये वो बड़ी है, हाथ में नहीं आती, बना दो। एनिवरी टेर किससे बनाएंगे? इधर ही लगाना है, वो जो उसके साथ उस तरफ चार कोला उसकी भी यही बनानी है। ये देख मैंने इसको धोया था। पहले तो तू बड़ी-बड़ी शेप बनाती थी, अब क्या होती है? तो जैसी रिक्वेस्ट है वैसी ही बनानी है ना? मैं कहती थी छोटी-छोटी बना पूरी। चल दफा हो, इसकी भी छोटी-छोटी बनानी है। सारी छोटी-छोटी इसकी भला कौन सी बनानी है? वो जो लंबी लंबी नहीं बनाई थी हमने एक दफा उधर, जब तुम कह रही थी क्या बना रही हो वो? हाँ कैंडल्स देख, इसको मैंने धोया था। अब देख सैंड हो गया इतना, मैंने इसको कोई ऊपर से पानी उतारा, हालांकि थोड़ा सा टेक्सचर था। मैं इसकी भी थोड़ी सी क्रम्बलिंग कर दूं, जो ये है रोड सीमेंट। फिर मैंने शेप्स बनानी है। अपना शोर बंद करो जरा। आके सीख लो। टूटे हाथ उसे कर रही थी। कर तू, मैंने तुझे कुछ कहा है? आ जा तू भी। मैं कर रही हूँ, पूछी ना, मैं सही करूंगी, देख जरा। आ तो सही, हो जाए मुकाबला। पकार मेरी फिर बात नहीं आएगी। आप ही इसको क्या है मतलब? स्पीड तो तेज कर, यहां से काट ले। छोटे छोटे हाथ है मेरे हाथ में, आते ही नहीं। छोटे छोटे हाथ हैं तो छोटे ही हैं। वाह मैंने सही की है। प्योर प्योर सैंड है, प्योर सैंड में डाल। प्योर सैंड किया और किधर किया? सारी क्रम्बलिंग का बड़ा वर्क कर दिया फोल्ड करके। इसको
मैं अगर कोई कहूँगी ना तो मुझे सोबा छोड़ दूँ, बात बहुत खराब है। आपी दे दे कहाँ है? वो तेरे पीछे इधर ही कर दो थोड़ा सा। अच्छा अब इसका ट्यूटोरियल मैं फिर से बता दूँ, मुझे याद आ गया। ट्यूटोरियल 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 सारे कहते हैं टेक्सचर के बारे में, तो बताया नहीं है कि टेक्सचर के बारे में मैं बार बार क्या बताऊँ। चलो फिर भी बता देती हूँ, मैंने रोज़ बताना है। ये प्योर सीमेंट है, ये पूरा टब हार्ड हो गया था, मैंने पानी डाल के ज़्यादा कल इस्तेमाल की थी। मैंने कहा प्योर सीमेंट है, इसको इसमें पानी मतलब ज़्यादा डाल जाए ज़रूरत से तो हार्ड हो जाता है, तो इसमें नाप तोल के पानी डालना पड़ता है शुरू शुरू में। मैंने सोचा मैं एक ही बार में पानी डाल के रख देती हूँ, इसने जितना पानी ज़रूरत करना होगा कर लेगा, उसके बाद ये हार्ड नहीं हुआ करेगा। अक्ल ने ये काम किया ही नहीं कि ये प्योर सीमेंट है, ये हार्ड हो जाएगा, ईंट बन जाएगी। और वो पूरे का पूरा टब इस तरह टब की शेप में जम गया था। उसको फिर निकाल के ग्राइंड किया, पहले बड़े से हाफ हाफ टुकड़े किए, चंक्स किए, फिर उसको तोड़ तोड़ के हैमर से, ईंट से, पता नहीं किस किस चीज़ से, उसके और छोटे चंक किए, फिर छोटे से छोटा चंक करने के बाद उसको हवन दस्ते में ग्राइंड किया रोज़ाना बिला नागा। आखिर 5-6 महीने बाद हो ही गया था, तो फिर ये इस फॉर्म में आ गया। ग्रेन्स ग्रेन्स नज़र आ रही है कि नहीं आ रहा? आ रहा है इस तरह, ये छोटे छोटे ग्रेन्स। कोई कोई ग्रेन्स तो इतने छोटे हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी मतलब शेप्स बना रही थी ना टेक्सचर रेडी करने के बाद, जो वेरी फर्स्ट टाइम शेप्स बना रही थी, वो मेरी यहाँ मास स्किन के अंदर चुभ गया था। इतना बुरा चुभा था ना जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना बारीक ग्रेन्स थे बीच में कोई कोई। लेकिन अब थोड़ा यूज़ हो गया तो और समझ भी आ गई है कि इसको कैसे यूज़ करना है, ज़्यादा हाथ इसके नहीं लगाना मतलब। इसीलिए मैं ना वो टूल से बनाती हूँ फिर सारे टेक्सचर्स, क्योंकि सारे में स्टोन्स हैं, ये तो चुभते हैं वो, और स्किन भी ख़राब होती है, इसलिए फिर मैं ये बनाती हूँ। क्रमलिंग करते वक्त भी वो चुभते हैं, ख़ास तौर पर कंक्रीट वाले, ब्लैक कंक्रीट, रेड कंक्रीट, ये ग्रिटी सैंड सीमेंट है, येलो स्टोनी सैंड जो है, इसमें स्टोन बड़े बड़े हैं थोड़े, तो ये वाले टेक्सचर कभी कभी ना बहुत ज़्यादा जोर के चुभ जाते हैं। थोड़े बहुत तो चुभते ही हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ही जोर के चुभ जाते हैं। तो बस ये वो प्योर सीमेंट था जिसको मैंने इस तरह मतलब ग्रेन्स की सूरत में ग्राइंड किया था। उसके बाद जो सीमेंट का पाउडर हुआ था ना, वो पाउडर भी इसी के अंदर ही है, और थोड़ी सी सैंड ऐड की थी ताकि जो सीमेंट है ना वो अब उसमें ना अभी भी था मतलब असर सीमेंट का, वो हार्ड हो रहा था, तो थोड़ी सी सैंड ऐड की थी ताकि ये हार्ड ना हो। बस इतना ही इसका ट्यूटोरियल है, और कुछ भी नहीं है कहने को, बस इतना। लेकिन इसको तैयार होने में कोई 5-6 माह लगे थे, रोज़ थोड़ा थोड़ा, कभी किया कभी नहीं किया। बड़ी मेहनत वाला काम है,
पूरे टब को ग्राइंड करके इस ग्रेन की शक्ल में लाना, इतने आसान है ये। तो अभी शायद कैमरे में जूम है तो ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, बिल्कुल डॉटेड हैं, जैसे हम एक डॉट लगाते हैं वैसे। अब मैं इसकी शेप्स बनाने लगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं वीडियो को बंद करती हूँ, बाद में अगर कोई बात हुई तो फिर मैं बता दूँगी। अल्लाह हाफिज़।